We move on to the next presentation, which is from KMVS, Kruti. So, yeah, 18 minutes. Good morning, all. Probably hoping that you are not all tired after listening to so much of debates and all. तो सुबह के जो सेशन में हमने काफ़ी सारा वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में बात किया, इंटरनेट के बारे में बात किया, काफ़ी सारे इश्यूज या ट्रोलिंग या स्टॉकिंग या उस तरह के वायलेंस की बात किया. तो मैं थोड़ा सा आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पे भी लेके जाना चाहूँगी कि ऑनलाइन वर्ल्ड में जो भी इश्यूज हैं वो काफ़ी सारा इश्यूज़ ऑफलाइन वर्ल्ड में भी है और शायद वहीं से परकोलेट होता है. मैं कच्छ महिला विकास संगठन की बात करूं. कच्छ एज यू ऑल नो कि गुजरात का लास्ट स्टेट जिसको कहा जाता है, लास्ट डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है. विस्तार की दृष्टि से बहुत बड़ा है, एशिया का लार्जेस्ट है, पर आज भी क्योंकि उसका इकोलॉजी इस तरह का है इसलिए हर 5 साल में 2 साल जो है वो ड्राउट साइकल्स होता है. और जैसे हम सब लोग पढ़ते हैं कि कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ होता है तो उसका सबसे ज़्यादा बर्डन जो है वो विमेन को ही आता है, क्योंकि घर का पूरा व्यवस्था उनके साथ संकलित है, उनके साथ जुड़ा हुआ है. तो कैसे ये महिलाएं संगठित होके उनकी जो जो भी कला है, उनके जो जो भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं, कैसे उसमें वो लीड ले सकें, इस विचार से कच्छ महिला विकास संगठन का जन्म हुआ था. और अभी इस साल हम लोग 25 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का. तो 1989 से केएमवीएस का शुरुआत हुआ और शुरुआत में क्राफ्ट वुमेन को ऑर्गेनाइज करने से शुरुआत के बाद काफ़ी सारे दूसरे इश्यूज़ जैसे जैसे वुमेन ने खुद आर्टिकुलेट किए उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने वो इश्यूज़ को टेकअप किया. और इस 25 साल की जर्नी में 7 जितने डिफरेंट कलेक्टिव्स जो हैं वो उसमें से कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं, उनके साथ ये पूरा जर्नी रहा. पंचायती महिलाओं के साथ 1997 में आप सब लोग जानते हैं जो बीजिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें पंचायत में चुनी हुई महिलाओं के साथ काम करने का सबने एक प्लेज लिया था. कच्छ महिला विकास संगठन का भी जर्नी पंचायती महिलाओं के साथ तभी शुरू हुआ. और टेक्नोलॉजी की बात करें, ICTs की बात करें या कम्युनिटी मीडिया की बात करें तो वो जर्नी भी 1997 में ही शुरू हुआ. जैसे पंचायती महिलाओं को संगठित करने का या उनके क्या प्रश्न हैं वो समझने की सबसे पहले जब ज़रूरत हुई तब ये ज़रूरत ये भी लगा कि उसमें उस वक्त 124 महिला सरपंच थी कच्छ में. तो उसमें से जितने भी सरपंच थे वो ज़्यादातर रबर स्टैम्प थे, मतलब उनको ऐसे ही बिठा दिया गया था. उस वक्त उनको पंचायत सही मायने में किस लिए एग्जिस्ट करता है वो नहीं पता था, क्योंकि पंचायत में जाना वो उनका डिसीजन नहीं था. क्योंकि रिजर्वेशन है इसलिए समबडी एल्स इन दैर विलेजेस, या तो मेल मेंबर्स, या तो कास्ट लीडर्स, या तो रिलीजियस लीडर्स ने डिसाइड किया था कि ये महिला को सरपंच बनना चाहिए. तो इन महिलाओं को अगर उनके ही दृष्टिकोण से, उनकी ही भाषा में अगर कुछ पंचायत के बारे में बताना है तो किस तरह से बताएं? तो उससे शुरुआत हुआ सबसे पहला रेडियो सीरियल जिसका नाम था कुंजल पांजे कच्छ, दैट मींस साइरस क्रेन बर्ड ऑफ कच्छ. उसमें एक मिथिकल कैरेक्टर था सरपंच का जिसका नाम था रानी सरपंच. तो जितने भी वो 124 महिलाओं के साथ हम काम करते थे तो जो जो भी इश्यूज़ वो रियल लाइफ में फेस करते थे वो इश्यूज़ को रानी सरपंच जो है वो कुंजल बर्ड को बताती थी कि मेरे गांव में ये प्रश्न है. प्लस देर वेर मेनी मोर कैरेक्टर्स इन द सीरियल, इट वाज अ ड्रामा सीरियल ऑफ 54 एपिसोड्स. और हर बार अंत में रानी सरपंच को एक ऐसा स्टेप लेती थी जो सबके लिए एक सोच बने. तो हम जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की बात करते हैं या जेंडर सेंसिटिव पंचायत की बात करते हैं तो वो यहाँ से वो शुरुआत हुई एक सोच बनाने की कि अगर एक महिला है वो सरपंच है, अगर इतने सारे प्रश्न अगर फेस कर रही हैं
तो उसका सॉल्यूशंस भी कम्युनिटीज़ में ही है, उसका सपोर्ट सिस्टम्स, उसका मैकेनिज्म्स, कंट्रोल सिस्टम्स भी कम्युनिटी में है, सपोर्ट सिस्टम्स भी कम्युनिटीज़ में है. उसको जस्ट जाके वो सपोर्ट सिस्टम्स ढूंढना है या तो उसको लेके आगे जाना है. तो उस रेडियो सीरियल से माध्यमों के साथ काम करने की थोड़ी सी सोच बनी. उसके बाद जितने जितने, जैसे 2001 का अर्थक्वेक जब हुआ, तब सबसे पहला चीज़ लोगों को अगर अपने आप में खड़ा करना है, क्योंकि कच्छ की बात करें तो उस वक्त जो स्केल था अर्थक्वेक का, जो मैसिव स्केल था, वो उस वक्त अगर लोगों में वो होप फिर से जगाना है, क्योंकि एक भी फैमिली ऐसा नहीं था जिसने 10 या 15 रिलेटिव्स को लूज़ नहीं किया हो, तो उस वक्त एक सीरियल शुरू किया. सबसे पहले रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स के साथ साथ तू जियरो आई, मतलब यू आर अलाइव. तो ये सारा इश्यूज़ जो है वो किस तरह से, जैसे माध्यमों की कल भी MKSS के साथ भी बहुत सारा बात हो रहा था कि जब तक माध्यम जो हैं वो कम्युनिटी में नहीं पहुंचते, जब तक वो कंटेक्सचुअलाइज नहीं होते, ये सारी सीरियल्स बनाना या ये लोगों के परसेप्शंस आना, बहुत सारे वर्ड्स हैं कच्छ में. मुझे पता नहीं आपको शायद मालूम हो कि कच्छ में कच्छी बोली बोली जाती है, गुजरात के पूरे सभी पार्ट में गुजराती बोला जाता है, कच्छ की लैंग्वेज इज़ कच्छी, विच इज़ वेरी मच देयर ओन. और कच्छ के भी डिफरेंट जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी रीजियंस हैं, बन्नी पच्छम में कच्छी के कुछ डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं. तो जब तक ये लोकल लैंग्वेज उसमें वीव नहीं होता, तब तक ये माध्यम की जो सोच है या लोगों को सेंसिटाइज करने की सोच है वो उन तक नहीं पहुँच पाती. तो रेडियो सीरियल्स में काम करने के साथ सबसे पहला सोच ये बना कि अगर ऐसे रेडियो सीरीज़ बनाने भी हैं तो उसकी कंटेंट जो है वो भी कम्युनिटी से ही तय होना चाहिए. तो कम्युनिटी रिपोर्टर्स जो हैं उसका एक पूरा टीम खड़ा हुआ, उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स भी थे जिन्होंने इस पूरे लैंग्वेज को, इस पूरे कंटेंट को रिच बनाया और उसको लोगों तक पहुँचाने में भी काफ़ी सारा काम किया. तो मैं मानती हूँ कि रेडियो के साथ जो जो भी काम हमारा शुरू हुआ उसने आगे जाके हमने आज जितने भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा समझ बनाया है कि माध्यम को किस तरह से होना चाहिए, माध्यम को किस तरह से सुनना चाहिए, माध्यम किस तरह से यूज़ करना चाहिए. तो 2004 या 5 के बाद पंचायत की महिलाओं के साथ ये जो पूरा अवेयरनेस बिल्डिंग की, सेंसिटाइजेशन की, या इलेक्शन में और अच्छे कैंडिडेट्स, और अच्छे महिलाएं किस तरह से खड़े हों, या उनकी जो पंचायत में चुन के आई हैं वो महिलाओं के तालीम के साथ साथ 2005 में एक ज़रूरत लगा कि जितने भी सरकार के योजनाएं हैं वो सरकार तो चाहती हैं कि लास्ट माइल तक पहुँचे, वो जो भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी एडिक्वेट हैं, इनएडिक्वेट हैं. कल भी बात कर रहे थे निखिल जी की 200 रुपया 400 रुपया पेंशन से क्या होता है. सही है, आज भी 400 रुपया 500 रुपया पेंशन अगर किसी वृद्ध महिला को या विधवा महिला को मिलता है तो उसमें वो एक सपोर्ट ही बन पाता है, इवन अ फ्रैक्शन, पर फिर भी वो सपोर्ट बन पाता है. तो ये सब योजनाएँ गाँव में लास्ट माइल तक कैसे पहुँचें, तो उसके लिए महिलाओं ने, पंचायत में जो चुनी हुई महिलाएँ उस वक्त थी, उन्होंने तय किया कि तालुक पंचायत जहाँ से ये जितनी भी योजनाएं जो हैं उसका फाइनल ऑथोराइजेशन जो होता है, तो तालुक पंचायत में हम एक स्पेस उभी करेंगे, एक स्पेस खड़ी करेंगे जहाँ से जितनी भी योजनाएं हैं, जो गांव के जितने भी वंचित लोग हैं यहाँ पर आएंगे, हम लोग एक ऐसा ब्रिज बनेंगे, एक इन्फॉर्मेशन सेंटर खड़ा करेंगे ताकि जितने भी योजनाएँ हैं वो इंटेंडेड बेनिफिट्स वो लोगों को मिले, वो कहीं ना कहीं वो टैंगल्स में नहीं आ जाए. और उनकी जितने भी 15 या 20 बार वो ऑफिसेस में आना जाना होता है उसको किस तरह से कम किया जाए. तो ये इन्फॉर्मेशन सेंटर मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ा स्पेस बना महिलाओं को वो डायलॉग करने का भी, महिलाओं को वो जितने भी उस वक्त सरकार के विभाग थे उसके साथ एडवोकेसी करने का भी एक बहुत बड़ा स्पेस बना. रेडियो के साथ हुआ था, आज नखत्राणा ब्लॉक में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है जो मैं मानती हूँ कि गुजरात का या
देश में भी बहुत कम ऐसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं जो कम्प्लीटली महिलाएं चलाती हैं और उसका कंटेंट जो भी जाता है वो भी महिलाएं तय करती हैं. तो कम्युनिटी रेडियो को एक पूरा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में किस तरह से यूज़ कर सकें वो ये इंफॉर्मेशन सेंटर्स के साथ और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के जुड़ाव के साथ ये पूरा स्ट्रेटेजी रहा. उसके साथ साथ पिछले 1.5 साल में 2 साल में जितने भी गांव के कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज थे या कुछ एडवोकेसीज बिल्ड करने थे उसके लिए वीडियो एज अ टूल बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन सेंटर्स यूज़ कर रहे हैं. कई ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिसको जैसे हम बेसिक जेंडर ट्रेनिंग कई बार बोलते हैं तो उसके बहुत सारे टूल्स हैं पर जब ये मीडियम्स को उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग अभी लास्ट ईयर एक ट्रेनिंग कर रहे थे चुनी हुई महिलाओं के साथ और उनके साथ एक डिस्कशन करवाना था कि आप पंचायत में हैं तो पंचायत में कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जो आज आपके लिए अवेलेबल नहीं हैं भले ही आपके लिए आपके पास कितने सारे सत्ताएं हैं पर फिर भी ऐसे कौन से स्पेसेस हैं कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आज भी आपको वो जगह नहीं है. तो उसके लिए छोटे छोटे रेडियो बाइट्स छोटे छोटे वीडियो बाइट्स बनाए थे तो वो एक बहुत अच्छा एंगेजिंग मीडियम बनता है तब वो डिस्कशन जनरेट करवाने का. तो वो वीडियोस जो हैं उसको अवेयरनेस के साथ साथ एज अ पेडागोजिकल टूल भी बहुत अच्छे से वो एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से यूज़ कर सकें. आवाज़ दे के कल इन्होंने भी बात किया था सहनी जी ने कि उन्होंने किस तरह से आवाज़ दे प्लेटफॉर्म का वॉइस मैसेज प्लेटफॉर्म का यूज़ किया उसी तरह से पंचायत की महिलाएं भी आवाज़ दे हम भी आवाज़ दे के साथ जुड़ के वॉइस मैसेजेस भेजते हैं. वो वॉइस मैसेजेस काफ़ी जैसे लोकल बाइट्स होते हैं उस तरह के होते हैं जैसे गांव में अगर कोई सरपंच एक दिन एंटाइटलमेंट मेला कर रहे हैं मतलब उस दिन पंचायत में 5 या 6 योजनाओं के लिए किसी को भी अगर फॉर्म्स फिलअप करने हैं तो उस दिन वो अनाउंस करते हैं कि इस दिन इस जगह पे हमारी पंचायत में ये इस तरह का लगा है. या तो फिर पंचायत के बहुत सारे महिलाओं से ये मांग आता है कि अभी राशन कार्ड का पूरा प्रोसेस चल रहा है वो 5 या 10 दिन में कंक्लूड हो रहा है तो बहुत सारे गांवों को एक साथ पता चलना चाहिए कि इस दिन ख़त्म हो रहा है. या तो अगर कोई एक सरपंच ने अपने गांव में हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बड़ा लड़त किया है या ICDS सेंटर को पाने के लिए एक लड़त किया है तो उसका छोटा छोटा मैसेजेस या सीरीज ऑफ मैसेजेस करके भेजते हैं ताकि वो एक पूरा टोटल एनवायरनमेंट बने इस तरह का गाँव में तालुक पे. उसी के साथ साथ इसमें जो पांचों हक करके लिखा है तो पांचों हक है वो एक सॉफ्टवेयर पोर्टल हमने रिसेंटली डेवलप किया है जिसमें 7 डिफरेंट गवर्नमेंट्स की डिपार्टमेंट्स के करीबन 35 स्कीम्स हैं जिसको जस्ट एट दी टच ऑफ योर फिंगर टिप आप उस स्कीम्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हो. इट इज़ इन गुजराती तो कोई भी महिला उसको क्लिक करके पढ़ सकती है. वहीं से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं. तो एक फॉर्म लेने के लिए या जेरोक्स करने के लिए आपको दूर नहीं जाना है आपको तालुक पंचायत में नहीं जाना है. अगर आपके पंचायत में ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो तो ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप सीधा आपके पास एक्सेस कर सकते हो. बैरियर्स की बात करें तो कई बार जैसे कल भी मैं देख रही थी MKSS की पूरी टीम में एक एंग्विश था टेक्नोलॉजी के बारे में. तो पांचों हक बनाने में हमें 3.5 महीना लगा कि किस तरह का होना चाहिए कितना सिंप्लीफाई होना चाहिए ताकि ये महिला जिसको बिल्कुल ही माउस छूने का भी अनुभव नहीं है वो भी इसको यूज़ कर सके. ये बनाने के बाद हमने बात किया पंचायत के साथ कि ये ऑनलाइन है ये फ्रीली अवेलेबल है सभी पंचायत आप यूज़ कर सकते हो. तब प्रश्न आया कि ई गवर्नेंस के तहत जितने भी गांव में कंप्यूटर्स हैं उसके जो भी ब्रॉडबैंड्स लगे हैं उसमें ब्लॉकर है. तो जिस वेबसाइट्स को गवर्नमेंट अप्रूव मतलब गांधीनगर से अप्रूव नहीं होगा वो पंचायत एक्सेस नहीं कर सकते. तो दिस इज़ नॉट एक्सेसिबल नाउ टू पंचायत्स. उसके लिए अभी थोड़ा और मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं ताकि ये एक्सेसिबल हो जाए क्योंकि वो पंचायत के लिए ही है. अगर वो
KMVS के ऑफिस में पढ़ा रहेगा या इंफॉर्मेशन सेंटर्स में यूज़ होगा या कोई पर्सन उसको घर पे यूज़ करेगा, तो वो एक गांव का डोमेन नहीं बनता है, वो एक जनरल नॉलेज नहीं बनता है। तो ये एक और इश्यू है, पर एक ये संतोष तो है एटलीस्ट कि ये बना के उसका एक्सेप्टेंस है पंचायत में, तो वो अभी आगे बढ़ सकता है। उसी तरह से कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी सारा स्कीम्स के बारे में, सौम्या जी बात कर रहे थे कि कितना सारा करप्शंस है, कितना सारा वो है, तो GIS टेक्नोलॉजी को भी जस्ट रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया है कि किस तरह से घरों को मैप करके वो विजुअलाइजेशन किस तरह से जाए। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जस्ट 2 मिनट लूँगी, 2 या 3 चीज़ों को और ये करने के लिए कि कई बार लगता है कि ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने ये बहनों को इनेबल किया है। आज कितने सारे पंचायती महिलाएं हैं जो हमारे कम्युनिटी रेडियो में, वीडियो में या वॉइस मैसेज में अपनी खुद की आवाज़ जब सुनते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में स्टूडियो में आके बात करते हैं कि मेरे गाँव में अल्कोहल है, अल्कोहल के ये सब इश्यूज़ हैं, तो और जब वो ब्रॉडकास्ट होता है तो 50 गाँव में हलचल मच जाता है कि इस महिला में इतनी ताकत है कि रेडियो स्टेशन में जाके बोल सके कि उसके गांव में अल्कोहल का इश्यू है या ईव टीजिंग का इश्यू है। तो इसी के साथ साथ कई बार एक UN के वर्कशॉप में मैं गई थी, तो सब लोग विजुअलाइज कर रहे थे कि कितना अच्छा होगा अगर सभी पंचायत की महिलाएं टैबलेट्स लेके गांव में पुश करें कि कितने घरों का टैक्सेस भरा है, कितने घरों का टैक्सेस नहीं भरा है। मुझे लगता है कि अभी भी वो ड्रीम बहुत डिस्टेंट रियलिटी लगता है कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जितने भी पंचायत्स हैं, गुजरात तो काफ़ी वेल ऑफ स्टेट हैं, जितने भी पंचायत्स हैं सभी के पास कंप्यूटर्स हैं, पर वो लिटरेसी सही में लोगों तक लेके जाना, आज नई स्कूलों में जितने भी कंप्यूटर्स इंस्टॉल हुए हैं सब में ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu है। आज गाँव में या पूरे तालुक में ऐसा एक पर्सन नहीं है जिसको Ubuntu ऑपरेट कर सके। तो ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डाला हुआ है जो उनके लिए ही है पर उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो एक पूरा जो इंटरमीडिएशन है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए उसको डालने में। तो ये एक सवाल तो है।